अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ अरेबियन चिकन मंडी। तो इसके लिए बड़े बड़े पीसेस चाहिए होते हैं जो मुझे नहीं मिले, तो मैं यहाँ बड़े बड़े चिकन लेग पीस से काम चला रही हूँ। ये गोश्त है करीब 1 किलो। तो सबसे पहले इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम धनिया, फिर ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग 4 छोटी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ी सी काली मिर्च, और अच्छे से इसको रोस्ट करना है। धीमी आंच पे इसको रोस्ट करते रहिएगा। लकड़ी, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी सौंफ। अब इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे और इसको ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है मंडी का मसाला, मंडी मसाला, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए मैंने डाली है 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और फिर इसमें हम डालेंगे नमक हसबे जायका, जैसा भी आपको पसंद हो। 1 नींबू अच्छे से निचोड़ देंगे इसमें, वो नींबू मतलब डाल देंगे क्योंकि इसमें हम दही नहीं डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है इसमें करीब 2 चम्मच सरसों का तेल। वैसे तो ये ऑलिव ऑयल में बनता है लेकिन मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें सरसों का तेल ही डाल दिया। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब जो हमने गोश्त ले रखा है उस पर ये मसाला अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि इसमें ना जो भी आप गोश्त लें, जो भी पीसेस लें, तो उसमें अच्छे से कट लगाइएगा ताकि अंदर अंदर उसके मसाला आप अच्छे से फिल कर सकें। तो ये मसाला लगा के आपको कम से कम 2 घंटे रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरी 1 रात भी रख सकते हैं। तो यहाँ 2 घंटे हो चुके थे, मैंने करीब ले लिया है 1.25 किलो चावल और 4 बड़ी जो है प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसको क्रश करके अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मंडी पे तली हुई प्याज ज़रूर डाली जाती है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैं प्याज को तल के निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने प्याज निकाल ली है। अब जो ये चिकन पीसेज हैं, अब इसको इसी ऑयल में मैं फ्राई करूँगी, और आँच को मीडियम रखना है, बहुत तेज़ नहीं रखना है, क्योंकि हमें चिकन को गलाना भी है इसी टाइम पे, क्योंकि हमें और अलग से चिकन नहीं पकाना है, इसी टाइम पे हमको पूरा चिकन गला लेना है, इसलिए मीडियम आँच पे। कम से कम इसको पकने में लगेगा 8 मिनट, 7-8 मिनट इसको लग जाएगा पकने में। तो अच्छे से अलट पलट के खूब अच्छे से इसको जो है फ्राई कर लेना है और इसको गला भी लेना है सेम टाइम। तो ये देखिए खूब अच्छे से माशाल्लाह मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, और इसके बाद इसको हम निकाल के अलग रखते जाएंगे। खूब अच्छे से आपको दोनों तरफ ना पलट पलट के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से गल जाए। अब ये जो ऑयल है इसका मैं क्या करूँगी, इसको मैं डालूँगी चावल को तैयार करने के लिए, चावल का मसाला तैयार करने के लिए, क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल ऑयल होता है। तो बाकी जो चिकन के पीसेज हैं वो भी अब मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो मेरे जो चिकन के पीसेस थे वो 2 बार में मेरे फ्राई हो गए। बाकी अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप 1 बार में भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो मंडी मसाला बचा है उसको भी मैं यूज़ करूँगी। अब मैंने इसमें डाल दी है करीब 1 प्याज कटी हुई, और मैं इसमें कोई दूसरा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो मैं चिकन को फ्राई करने में मैंने ऑयल यूज़ किया था, वही ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत बहुत सारे फ्लेवर हैं। अब जाएंगे इसमें कुछ खड़े मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लकड़ी और कुछ काली मिर्च। तो ये देखिए यहाँ भी मेरा चिकन होने वाला है तैयार, और अब इसमें मैंने डाल दिए हैं वो खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं भून लूँगी, और जब लहसुन अदरक का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो जो मेरा मंडी मसाला रखा हुआ है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, ये जाएगा चावल के मसाले में। तो इसको अच्छे से इसमें डाल दूँगी, जो मसाला बचा हुआ था उसमें पानी करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। बहुत से लोग मैंने देखा है, बहुत से लोगों को, कि वो लोग मंडी मसाला में ना अलग से जो है धनिया मिर्चा और ये सब डालते हैं, तो जब हमारे पास इतना अच्छा मसाला, भुना हुआ मसाला हमारे पास पहले से प्रिपेयर है, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये पूरे चिकन यहाँ पर फ्राई हो गए हैं अच्छे से, और इसमें चावल के मसाले में मैंने डाल दिया था
नमक 1 चम्मच, अभी फ़िलहाल मैं उतना ही डाल रही हूँ। फिर जब मैं पानी उसमें ऐड करूँगी तो पानी चख के कि कैसा है नमक का टेस्ट, तो उस हिसाब से मैं उसमें और नमक ऐड करूँगी, या हो सकता है ना भी करना पड़े। तो यहाँ मेरा मसाला भुन गया था, मैंने पानी डाल दिया है, और जो चिकन फ्राई करने में जो ऑयल बचा हुआ था उसको भी मैं अभी यूज़ करूँगी, इसलिए उसको किनारे मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे चावल पानी बॉईल हो गया था, उसमें मैंने डाल दिया है चावल। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितना आपने चावल लिया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही पानी लेना है, क्योंकि इसमें आपको पानी पसाना नहीं है। तो यहाँ पर मेरा चावल हो गया था तैयार, तो जो ऑयल जिसमें मैंने फ्राई किया था चिकन, अब उसको मैंने डाल दिया है एक कलछुल भर के ऊपर। अब मैं इसमें बिछा दूँगी चिकन के पीस, और इसको लगा दूंगी मैं दम पर। तो 5 मिनट इसको दम पे लगाने के बाद ये मंडी हो जाएगी रेडी, और इसको फिर हम लोग इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये खाने में बहुत अच्छी रहती है, और बहुत मतलब बहुत लाइट रहती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं, चावल तैयार हो गए थे। अब मैंने इसमें फ्राई अनियन डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया, अगर आप चाहें तो, धनिया कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद चिकन के पीसेज आप इस पर अरेंज कर दीजिए, और इसके बाद आपको जो भी चटनी खानी है, लाल मिर्च की चटनी या हरी मिर्च की चटनी, वो चटनी रख लीजिए, थोड़ा सा सैलड रख लीजिए। आपकी चिकन मंडी बन के हो गई है तैयार। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है चिकन मंडी की, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये बहुत फ्लेवरफुल होती है, बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, और इसको मतलब बहुत ज़्यादा मेरे घर में सबको पसंद आती है। तो हम लोग एक्चुअली वहाँ पौंडीचेरी जाते हैं, तो वहाँ एक अरेबियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ हमने ऑर्डर की। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो, इसको अब रमज़ान चल रहा है तो पौंडीचेरी तो जा नहीं सकते हैं, तो मैंने इसको घर पर ही बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। तो हो गया है दूसरा दिन, यानी कि मंडे, यानी कि आज सुबह। तो मेरे बच्चों का आज फर्स्ट एग्ज़ाम है, उनको भी दुआओं में शामिल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।